हेलो स्टूडेंट्स, सो आज मैं लेके आया हूँ एमसीक्यू सीरीज का वीडियो नंबर 5। यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 राइस ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। राइस ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। नाउ पहला क्वेश्चन, कब महात्मा गांधी भारत लौटे थे? 1915 में। When was महात्मा गांधी born? It is 1869, 2nd अक्टूबर, कहां पर? पोरबंदर, पोरबंदर, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा, देन मैच इट। Which act authorized the British government to imprison any person without trial and conviction? कौन सा एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी दिया था कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन? इट वॉज रॉलट एक्ट 1919। जालियांवाला बाग मासाकर कब हुआ था? 13th अप्रैल, यह डेट भी याद रख लेना, 13th अप्रैल, ओके, 1919, क्लियर। नेक्स्ट, हु आर द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स कौन थे? मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, उसके बाद आइए, तब ज्यादा से ज्यादा आपको आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। Which of the following statement about non-cooperation movement is true? बोला कि it aimed at the violent overthrow of British rule. बिल्कुल नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी ने शुरू किया था और उनका तो हथियार ही था, वेपन ही था, नॉन वायलेंस, तो ये वाला गलत सेंटेंस है। It promoted use of British goods. बिल्कुल नहीं, indigenous goods को प्रमोट किया। It was supported by Hindus and Muslim both. Yes, ये सही है, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट, इट स्टार्टेड आफ्टर डांडी मार्च। बिल्कुल नहीं, डांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 को और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था 1920 से लेकर 1922 तक, ठीक है, डेट याद रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रॉलट एक्ट? ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल नहीं, इट अलाउड इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, करेक्ट है। नेक्स्ट, what was the main objective of civil disobedience movement? इसका main objective क्या था? भारत के लिए dominance status लाना, ठीक है, यही था। complete independence नहीं, complete independence था लाहौर session of Congress का, ठीक है, लाहौर session of Congress। next question, which of the following is true about Simon Commission? Simon Commission के लिए कौन, नीचे दिए गए sentences में कौन सा सही है? पहला, It was formed in 1928, सही है। It included the Indian members, बिल्कुल नहीं, सात मेंबर थे, सातों के साथ थे, फिरंगी थे, मतलब all were the Britishers, British cabinet के members थे। It was boycotted by Indian National Congress, सही है। So 1 and 3 would be your correct option, D, okay? गांधी के early life से कुछ sentences दिया गया है, आपको सही टिक करना है। गांधी studied law in England, yes, and then only he became barrister. He started his political career in India. ये भी सही है। उन्होंने अपना political career पहले तो बॉम्बे, गुजरात, ये सब महाराष्ट्र, यहां पर शुरू किया था, ठीक है। बाद में वो 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका। तो पहले दो स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, He led a struggle against racism in South Africa. ये भी सही है। क्वेश्चन, Let me see this again. Yes, question लिखा है, He started his political career in India. बिल्कुल नहीं, political career उन्होंने शुरू किया था, He started his legal career in India. Legal career उन्होंने इंडिया में शुरू किया था,
बट पॉलिटिकल करियर ही हैड स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका, नटल इंडियन कांग्रेस बनाया था, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट खिलाफत मूवमेंट, इट वॉज लेड बाय मोहम्मद मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। गांधी सपोर्टेड द मूवमेंट, ये भी सही है। इट एम्ड एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया इन इंडिया, बिल्कुल नहीं, वो लोग चाहते थे इट एम्ड एट द रेस्टोरेशन ऑफ खलीफा ऑफ टर्की, सो 1 and 2 वुड बी करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट assertion, assertion आपके पास है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाई गांधी 1922, सही है, आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था, विड्रो कर लिया था, इट मूवमेंट वायलेंट इन चोरी चोरा इसके वजह से, तो दोनों सही है, ए एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब चोरी चोरा इंसिडेंट के वजह से ही महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रो किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च से शुरू हुआ, यह सही है, साबरमती आश्रम से शुरू हुए थे, डांडी मार्च वाज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स, ये भी सही है, तो दोनों बोथ ए एंड आर आर ट्रू। साइमन कमीशन वाज वेलकम्ड बाय इंडियन, नहीं, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे क्योंकि इट कंटेन्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, इंडियन मेंबर्स वे आर नॉट देयर इन साइमन कमीशन, इंक्लूडेड नो इंडियन मेंबर्स, ये करेक्ट है, इसका मतलब ए फॉल्स है बट आर सही है। मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रूल्स इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मैं जो एमसीक्यू लाता हूं आप लोग देखते हो कि डिफरेंट टाइप्स का एमसीक्यू लाता हूं, सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं, क्योंकि अभी सेवा का नया पैटर्न के हिसाब से 2024 का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स का एमसीक्यू पूछा गया है, सिर्फ फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू और अभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी लीडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सही है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर भारत का, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर, वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता था, तो ये तो ऑप्शन ए ही है, डायरेक्ट सवाल लग गया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनका ईयर बताना है आपको, तो कुछ ईयर भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अगर रिपीटेड मोड में पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जालियनवाला बाग मसाकर 1919 में हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला था, साइमन कमीशन 1928 में फॉर्म होती है और भारत आती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34 तक चला था, तो ऑप्शन कौन सा बना हमारा, आपका ए टू बना, बी वन सी फोर डी थ्री, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट मौलाना शौकत अली, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू, इंडिविजुअल सत्याग्रह, पहले जो सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे, तो कौन सा बन रहा है, ए टू बी वन, ए टू बी वन, सी का 4 बन रहा है और डी का 3 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सॉल्ट मार्च, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, करेक्ट है, इसने डांडी, ये जो सॉल्ट मार्च है डांडी में जाके खत्म हुआ, ये भी सही है। इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, बिल्कुल नहीं, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स, ठीक है, नहीं, सॉल्ट टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट था, तो 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। Which of the following statements is true about Quit India Movement? 1942 में से शुरू किया गया, करेक्ट है। It called for immediate independence, ये भी सही है। It was led by सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल नहीं, It was led by महात्मा गांधी, so 1 and 2। Which of the following statement are true about Gandhi-Irwin Pact? 1931 में साइन हुआ, करेक्ट है। Civil disobedience movement को खत्म किया, करेक्ट है। Complete independence दे दिया, ये गलत है, so 1 and 2 करेक्ट होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, करेक्ट है। द मूवमेंट एम टू रिवाइव लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी सही है, सो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्रिस्प मिशन भारत में 1942 में आया था, करेक्ट है। इट एम टू सिक्योर इंडियन सपोर्ट फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट, किसी को अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप लोग वीडियो स्लो करके देख लो, ठीक है, और अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो वीडियो फास्ट करके देख लो, 1.5 में देख लो। एसर्शन, क्या बोला, कैबिनेट मिशन प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान हाँ एक्सेप्ट तो किया था। द प्लान डिड नॉट प्रोवाइड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, हाँ ये सही है, इंडियन पार्टीशन के बारे में बताया जा रहा था, तो इसका मतलब ए सही है, आर फॉल्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। देखिए ये आपको लग सकता है कि ये तो पहला चैप्टर का आ गया, लेकिन एमसीक्यू जो पूछा जाएगा आपको ये नहीं पूछेगा कि ये पहला चैप्टर का है, इस दूसरा चैप्टर का है, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री है, आपको डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वायसराय कौन थे, लॉर्ड कार्जन, सही है, हमने पढ़ लिया। इंटेंड टू डिवाइड बंगाल ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, नहीं, बंगाल को लिंग्विस्टिक लाइंस में नहीं, रिलीजियस लाइंस में बांटा जा रहा था, ठीक है, बंगाल ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, हाँ ये भी सही है, बंगाल तो बहुत बड़ा प्रोविंस था, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया वेस्ट बंगाल से, और दोनों लाइन में बांटा जा रहा था, रिलीजियन, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, दोनों सही है। सो हम ये डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को गलत नहीं कह सकते, लिंग्विस्टिक लाइन में भी बांटा जा रहा था बंगाल को। इट लेड टू वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट, हाँ तो सारे स्टेटमेंट सही है। मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डायर की इन द प्रोविंसेस, सही है, ये दे वेर इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी सही है, दे ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये गलत है, सो 1 and 2 करेक्ट आंसर। आपको लग सकता है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 नहीं पढ़ा, बट हाँ इट कैन बी आस्क्ड, इट्स ए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि एज रॉलेट एक्ट इज देयर, उससे पहले आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो 10 साल चला था उसका परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ही भारत में सामेन कमीशन आया था 1928 में, ठीक है, सो आप नहीं कह सकते कि इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट चंपारण सत्याग्रह, ये पहला गांधी का सत्याग्रह था भारत में, सही है, इट वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, ये भी सही है, ये गुजरात में हुआ था, बिल्कुल नहीं, ये बिहार में हुआ था। ओके, सो 1 and 2 मेरा करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भारत के वायसराय कौन थे, इट वॉज लॉर्ड लिलिंगथो, ठीक है, उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। कौन से सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, इट वॉज लाहौर सेशन 1929, और प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, इट वॉज मौलाना अबुल कलाम आजाद, was the first education minister of India, ठीक है। Match the following movements with their objectives, non-cooperation movement, क्या होगा आपका boycott, peaceful non-cooperation, अगर A का 4 देखे, civil disobedience, boycott of foreign goods, ये direct होता है, non-cooperation movement, boycott of foreign goods, civil disobedience, mass refusal to obey the laws, Quit India movement, immediate independence, स्वदेशी मूवमेंट, पीसफुल नॉन कोऑपरेशन, सो डायरेक्ट हो जाता है A1, B2, है कि नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट, थोड़ा चेंज है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका होगा A का 4 बनेगा, ठीक है, पीसफुल नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, मास रिफ्यूजल टू ओबे द लॉस, क्विट इंडिया मूवमेंट, इमीडिएट इंडिपेंडेंस, और स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, सो A4, B2, C3, D1 ये जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ स्टेटमेंट शायद ये होना चाहिए था पहले। यस दिस वन मैच द फॉलोइंग 31 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या किया था? डायर की इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की। ओके रॉलट एक्ट इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। So, ये जो बना आपका ए के साथ जाएगा 4 ए 4 बी 1 सी 2 डी 3 ठीक है। बाल गंगाधर तिलक उनके साथ जाएगा ए 4 ही वॉज द लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। लाला लाजपत राय अगर हम देखें तो ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। बिपिन चंद्र पाल लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। गोपाल कृष्ण गोखले ये है मॉडरेट लीडर। So, पहला स्टेटमेंट जाएगा ए के साथ 4 बी 1 सी 3 और डी 2 ठीक है। अब ध्यान से ये सब देखना, खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश करना किसके साथ कौन सा मैच हो रहा है ठीक है, जिससे आपका बहुत सारा एमसीक्यू एक साथ ही हो जाता है। अगर आप इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपका और कोई एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा चैप्टर कवर होता है और आपका रिवाइज भी हो जाता है ठीक है। नेक्स्ट खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, जरूर गांधी को लगता था कि खिलाफत मूवमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करेगा, बिल्कुल सही, दोनों सही है। क्रिस्प मिशन वॉज सक्सेसफुल इन इट्स ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल नहीं। इंडियन लीडर्स एक्सेप्टेड द क्रिस्प प्रपोजल, ये भी नहीं ठीक है। डोमिनियन स्टेटस बोला था। सो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन गलत है शायद, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। इट वॉज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, करेक्ट है। इट एम टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। इट वॉज फॉर्म्ड इन सिंगापुर, ये भी करेक्ट है। ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पूना पैक्ट, ये साइन हुआ था महात्मा गांधी और आंबेडकर के बीच में, करेक्ट है। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था दलितों के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर। सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दिया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया गया था। सो ये स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज साइंड इन 1932, ये करेक्ट है। सो 1 और 2 करेक्ट हो। ओके नेक्स्ट लखनऊ पैक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द लखनऊ पैक्ट। It was signed between Congress and Muslim League, सही है। It demanded the dominion status for India, ये भी सही है। और it was signed in 1916, ये भी सही है। तो all the statements above are correct, okay? So next देखते हैं सवाल क्या है। Who was the British Prime Minister जब पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस किया गया? इट वॉज क्लीमेंट एटली, ठीक है, लेबर पार्टी के थे। विच ईयर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? इट वॉज 1947। हु वॉज लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत के लास्ट वाइसरॉय और पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। महात्मा गांधी लीडर ऑफ सॉल्ट मार्च, ए के साथ 4 जाएगा। जवाहरलाल नेहरू एडवोकेटेड सोशलिस्ट पॉलिसीज, बी 3। बी आर अंबेडकर आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडर ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि भारत में ब्रिटिश टेरिटोरी के अलावा भी 562 प्रिंसली स्टेट्स था।
और इन सबको इंटीग्रेट किया, एक यूनियन ऑफ स्टेट में इंटीग्रेशन का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, साथ जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। इस एक्ट के तहत किसी को भी अगर संदिग्ध पाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तो इम्प्रिजन किया जाता था विदाउट ट्रायल। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ये क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम्स, पहला जो फर्स्ट टाइम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई किया था बाई दिस इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1919 ब्रिटिशर्स ने। इसे मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। सो आपका जाएगा ए के साथ 3 जा रहा है, बी के साथ 4 जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एसर्शन रीजनिंग, स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1905, सही है, इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, दोनों सही है। होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक ने इनिशिएट किया था, करेक्ट है, इट एम्ड एट अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ये सही है। कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, सही है, इट एम्ड टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये भी सही है, बहुत आर करेक्ट, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। आप लोग क्या करिए कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूं मेरे साथ खुद पोज करिए वीडियो, क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर लगाइए, देन मैं जो आंसर कहता हूं मैच दिस विथ योरसेल्फ, जिससे आपका एक ही बार में सारा एमसीक्यू का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए गुड डे अहेड।